अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात ये है कि एक अच्छी बात ये है कि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो इतने सालों से एक एक्सपीरियंस था जो जमा हुआ था, और आज इस शो के दौरान मुझे वो शेयर करने मिल गया दूसरे बच्चों के साथ, तो एक अच्छी बात है। और खुशी है इस बात की कि मैं उनको अपना एक नॉलेज भी बांट सकता हूँ, और उनको अगर उसमें से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बारे में। अभी तक जितने भी रियलिटी शो आ रहे हैं वो मतलब एडिट होकर आते हैं, आपका एक ऐसा शो है जो डायरेक्ट लाइव आ रहा है, तो इसमें यही एक सबसे बड़ी यूएसपी भी है हमारे शो की कि पूरा शो जो लाइव है, इसमें कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो रियलिटी शो देखते हो वो उसको एक कलर होता है, उसको वो एडिट किया जाता है। अगर आज अभी मेरा एक फंबल अगर हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा, कट हो जाएगा, वापस मुझे बोलने पड़ेंगे लाइन। या लाइव शो में ऐसा कुछ भी नहीं, जो है जा रहा है वो जा रहा है, फिर अगर आपने गलती भी की तो वो ऑनलाइन जाएगी। और कई बार ऐसा हुआ भी है, कई बड़े बड़े ग्रूप अप्स भी होते हैं, कई ऐसे ऐसी चीज़ें भी होती है सडनली कि यू नो ब्लैंक हो जाते हैं। अनुषा एक बार ब्लैंक हो गई थी अपना कंटेस्टेंट का नाम लेते लेते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट यही खासियत है शो की, और लोगों को जो है वो उसी तरह से देखने मिलेगा जैसे कि वो एक लाइव शो देख रहे हैं। अगर सामने कोई आर्टिस्ट आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो भी करेगा आप सुनने आपको सीधा ही देखने मिलेगा, वो एडिट नहीं होगा, वो कोई किसी वजह से मतलब छुपा नहीं सकता अपनी गलतियाँ। यहाँ पर भी आप उनकी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं छुपी, इसलिए थोड़ा रॉ भी दिखेगा, बट यही खासियत है इस शो का। मेरे जोन में अभी तीन बच्चे हैं, फैज है जो हमारे साथ यहाँ पर आए, और जो दो बच्चे हैं प्रियांश हैं और एक लड़की है दियाशिनी, तीनों अलग अलग तरीके के सिंगर हैं। फैज एक बहुत ऊँची आवाज़ में, एक सूफी तो नहीं कह सकूँगा, बट गाने का उसका रेंज जो है बहुत बड़ा है, उसे बड़े लंबे लंबे सुरों में गाने का बहुत अच्छा लगता है, ऊंचा गाने को अच्छा लगता है। उम्र बहुत छोटी है पर ऊंचा गाने में उसको बहुत खुशी मिलती है। तो प्रियांश जो है वो ज़्यादा ठहराव वाले गाने गाता है, ज़्यादा भजन स्टाइल में या गज़लों के स्टाइल में गाने के पसंद है। रियाशिनी जो है वो एक कंप्लीट रिलैक्स सिंगर कह सकते हो, उसकी वॉइस मोशन जैसे या उस तरह से गाती है, तरीका उसका कॉम्बिनेशन है, इतनी कम उम्र में जिस तरह से उनकी उसकी वॉइस क्वालिटी है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और यही एक खास बात भी बनाती है कि तीनों भी अलग अलग सिंगर हैं, तीनों बहुत कमाल के सिंगर हैं, आने वाले फ्यूचर में आने वाले टाइम में लोग बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे आपके पास तीन हैं और बुकिंग के बाद दो ही हैं, तो इसमें आपके इसलिए आपके चांस ज़्यादा हो सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी जोन का बच्चा जब एलिमिनेट होता है तो बुक तो होता है इस बात का, तो कंफर्म। बट अगर इस जोन के दोनों बच्चे लिखे जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको बुकिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे आती है। हर्षिता जो है वो जो सबसे यंगेस्ट है पूरे दसों में जो इस जोन से आती है, तो वो मतलब वो बहुत ही चार्मिंग है, वो इतनी चार्मिंग है कि सबसे ज़्यादा वो उसको आते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार उसको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके जोन के दो बच्चे हमारे तीन हैं तो मुझे एडवांटेज आता है, ये हो सकता है कि एक ही दो लास्ट मतलब एक साथ तीनों इसमें आउट हो जाए और उनके दो बच्चे ही पूरे शो तक चलते रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बच्चा किसी का रुक जाए और बाकी सब एलिमिनेट हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे आपके आने वाले टाइम। आपके शो पे